खिलौनों की जानी मानी कंपनी टॉयज आर अस अमेरिका में स्थित अपने 800 से ज़्यादा स्टोर्स बंद कर रही है। कर्ज के बोझ से दबी टॉयज आर अस ने ये फैसला मार्केट में बढ़ते कंपटीशन और कर्ज की वजह से लिया है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर के 38 देशों में फैली खिलौने बेचने वाली इकलौती कंपनी टॉयज आर अस ने अमेरिकी कोर्ट में खुद को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया सितंबर में ही शुरू कर दी थी, जिससे वह अमेरिका के अपनी सभी स्टोर्स बंद कर सके। गुरुवार को कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज और मीडिया को इस बारे में जानकारी दी। इसके अलावा टॉयज आर अस कैनेडा, एशिया और सेंट्रल यूरोप के अपने स्टोर्स भी बंद करने की तैयारी में है। दरअसल साल 2005 के बाद से ही टॉयज आर अस घाटे में चल रही है। टॉयज आर अस के ऊपर कर साल दर साल लगातार बढ़ रहा था। दुनिया भर में बढ़ते ई कॉमर्स के चलन की वजह से टॉयज आर अस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अमेजोन और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां टॉयज आर अस के कॉम्पिटिटर बन के उभरे। अमेजोन और वॉलमार्ट के डिस्काउंट पर खिलौने बेचे जाने की वजह से टॉयज आर अस के स्टोर्स में खरीदारों की संख्या दिन ब दिन गिरती जा रही है। खरीदारों को आकर्षित करने के लिए टॉयज आर अस ने काफी भारी डिस्काउंट भी दिया, जिसकी वजह से कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। टॉयज आर अस पर इस वक्त 500 करोड़ डॉलर का कर्ज है, जिस वजह से अब टॉयज आर अस दिवालिया होने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका में टॉयज आर अस और बेबी आर अस को मिलाकर स्टोर्स बंद किए जाने की वजह से लगभग 65,000 एम्प्लॉयज पर इसका असर पड़ेगा। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।